45,000 संविदा कर्मचारी फिर आंदोलन करेंगे। जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग इनके द्वारा की जाएगी। तो एक बार फिर 3 जुलाई से फिर सड़क पर उतरेंगे संविदा कर्मचारी। करीब 45,000 संविदा कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। 3 जुलाई से फिर सड़क पर उतरेंगे संविदा कर्मचारी। बता दें करीब 45,000 संविदा कर्मचारी फिर से आंदोलन करेंगे। जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर है, पूजा सामग्री के नाम से 60 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरटीजीएस से पैसा किया गया था ट्रांसफर। तेलीमांदा थाने में मामला दर्ज हुआ है। प्रभुजी इंटेक क्रिएशन के संचालक पर आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कांकेर से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन राइस मिल की दीवार गिरने का यह पूरा मामला। इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत हो गई है। हादसे में मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। भानु प्रतापपुर के चबेला में राइस मिल बन रहा था। इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत की खबर है। राइस मिल में हादसा हुआ, दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। निर्माणाधीन राइस मिल है ये, जिसमें हादसा हुआ। इलाज के दौरान एक और की मौत हो गई। अब हादसे में मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। भानु प्रतापपुर के चबेला में राइस मिल बन रहा था। 10 लोगों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। गरियाबंद से बड़ी खबर है, तेंदुए के खाल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तेंदुए के खाल बेचने की फिराक में थे आरोपी। मामले को लेकर जल्द खुलासा कर सकती है पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गरियाबंद से तेंदुए के खाल के साथ ही 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में थे ये आरोपी, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही पूछताछ उनसे होगी। बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो ये आरोपी तेंदुए की खाल बेचने के फिराक में थे। मामले को लेकर जल्द खुलासा कर सकती है पुलिस। तेंदुए की खाल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उज्जैन से बड़ी खबर की बातें करेंगे। शिप्रा नदी में मिल रहा नाले का गंदा पानी, रामघाट पर ओवरफ्लो हो रहा है नाले का पानी। नाले का पानी नदी में जाकर मिल रहा है। साधु संतों ने इस पर आक्रोश भी जताया है। उज्जैन की तस्वीरें हैं। शिप्रा नदी में नाले का गंदा पानी मिल रहा है, रामघाट पर ओवरफ्लो ये पानी हो रहा है और नदी में ये नाले का पानी जा रहा है। खरगोन से बड़ी खबर है, बता दें झरनिया सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सर्पदंश पीड़िता की इलाज के बदले झाड़फूंक हुआ। 2 घंटे तक अस्पताल में झाड़फूंक का दौर जारी रहा। हालत गंभीर होने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में किशोरी ने दम तोड़ दिया। घर में ही सांप ने किशोरी को काटा था। झरनिया सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सर्पदंश पीड़िता के इलाज के बदले झाड़फूंक किया गया। 2 घंटे तक अस्पताल में झाड़फूंक का दौर जारी रहा। हालत गंभीर होने के बाद जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया। रास्ते में किशोरी ने दम तोड़ दिया।
भोपाल से बड़ी खबर है, शिवराज सरकार के मंत्रियों को घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस जारी करेगी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड के जरिए उठाएगी भ्रष्टाचार, कुशासन और कुप्रबंधन के मुद्दे। 15 अगस्त के बाद रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी कांग्रेस। नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल, सारंग समेत कई मंत्रियों को भी घेरने की तैयारी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब यहां पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी में जो है कांग्रेस, और वो भी खुद की पार्टी के नेताओं का नहीं, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी कांग्रेस। बिल्कुल ऋतु, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब कोई नेता चुनाव के साल में जनता के बीच जाता है तो वो अपनी उपलब्धियां बताता है और बताता है कि जनता से जो पिछले चुनाव में वादे या दावे किए थे वो ऊपर कितना खरा उतरा है। लेकिन देखिए, राजनीति है, इसमें सब कुछ संभव नजर आता है। और ये आप देखेंगे कि न कांग्रेस न केवल अपनी बात कर रही है, बल्कि बीजेपी के जो दिग्गज मंत्री हैं, चाहे गोपाल भार्गव की हो बात हो, नरोत्तम मिश्रा की बात हो, या तमाम जो अन्य जो बड़े मंत्री हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने जा रही है। क्योंकि उनका पास जो डिपार्टमेंट था उसने मध्य प्रदेश में किस तरीके का काम किया, कौन कौन सी योजनाएं लेकर आए, वो सब बताने जा रहे हैं। यानी उनकी अच्छाई नहीं बल्कि उनकी बुराइयां बताने का काम जो है वो कांग्रेस करेगी कि इस योजना को लेकर आए, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसमें इस तरह की गड़बड़ियां हुई। तो तमाम जो मंत्री हैं उनको अब घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीख जो है, या कहें कि चुनाव का वक्त जो है वो पास आता जा रहा है, वैसे वैसे अब कांग्रेस भी आक्रामक होती जा रही है। पहले केवल शिवराज पर सीधा हमला बोला जा रहा था, लेकिन अब टुकड़ों में बांट दिया गया है इस काम को। अलग अलग इलाकों के अलग अलग कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने इलाकों के जो मंत्री हैं उनके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। एमपी के बड़े शहरों में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान है। 4 बड़े शहरों की 30 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। प्रदेश के 4 शहरों में पहले बड़े नेताओं की जनसभा होगी। अगले महीने ग्वालियर आएंगी प्रियंका गांधी। विधानसभा सत्र के बाद प्रियंका गांधी का दौरा प्रस्तावित है। जुलाई के 3रे सप्ताह में ग्वालियर आएंगी प्रियंका गांधी। जबलपुर में 12 जून को हो चुकी है प्रियंका गांधी की जनसभा। जबलपुर के बाद ग्वालियर तय किया गया है प्रियंका गांधी का कार्यक्रम। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगभग तैयार हो चुका है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को, पटना में विपक्ष की बैठक पर अमित शाह का तंज, बोले पटना में चल रहा है फोटो सेशन। 2024 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ट्वीट, लिखा 24 के चुनाव से पहले इकट्ठा हो रही है नाटक मंडली। नरेंद्र मोदी के तीसरी